As many questions as you like. उसके बाद फिर ये होगा कि हम ट्रॉफी अनवील करा लेंगे एंड देन उसके बाद बिस्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी. सो ये इसका सीक्वेंस है आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका. ठीक जी. जी रामीन, आप फाइनल में पहुंचने के लिए कितनी मतलब खुश और मुतमईन हैं? दूसरे ये कि फाइनल के लिए आप कितनी पुरउम्मीद हैं? आपकी टीम के प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं जो अब तक आपने मैचेस खेले हैं उसको देखते हुए फाइनल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मेरी टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए. अब तक हमने इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तीनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और स्पेशली कीपिंग में. तो फाइनल के लिए भी मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी. अभी तक हम लोगों ने बॉलिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अगर बैटिंग से कंपेयर किया जाए तो. लेकिन कोशिश रहेगी कि फाइनल में दोनों चीज़ों में परफॉर्म करें. रामीन, कप्तानी बहुत कम एज से आपको मिल गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 11 को फाइनल में लेकर आई, पीसीबी ब्लास्टर्स को वनडे टूर्नामेंट जितवाया, अब डबल मुकम्मल करने का पूरा इम्कान है. तो थोड़ा अपनी कप्तानी के बारे में बताइए कि ये किसका टैलेंट था कि आपको कप्तानी का टैलेंट आपने जो डिस्कवर किया और इतनी सीनियर्स आपके अंडर में खेलती रही हैं. और दूसरे बताइए कि आपकी टीम के खिलाड़ियों से आपको इतना भरोसा है कि वो आपको ये टूर्नामेंट जितवा कर आपको अपनी आने वाली बर्थडे का गिफ्ट भी देंगी. मैं अपने आप को कैप्टेंसी में इंट्रोड्यूस करवाने का सारा क्रेडिट सर जलाल को दूंगी. उन्होंने मुझे एज अ कैप्टन इंट्रोड्यूस करवाया था, पीसीबी 11 में मुझे एज अ कैप्टन बनाया था. तो कप्तानी मैंने अपने सीनियर से ही सीखी है, स्पेशली बिस्मा बाजी ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया और मुझे हमेशा गाइड किया है. फिर सना बाजी ने मुझे बहुत गाइड किया है. अभी मेरी टीम में जवेरिया खान, आलिया रियाज, जवेरिया रऊफ, सिद्रा नवाज़, अनम अमीन जैसे सीनियर्स मौजूद हैं जो मुझे परफॉर्मेंस के साथ साथ फील्ड में भी बहुत हेल्प करते हैं. तो फाइनल में भी मैं उन्हीं से ही हेल्प लूंगी और इसी तरह मैंने अपने आप को ग्रो किया. रामी, एक तो ये बताएं कि कप्तान के सामने मुखालिफ टीम में कप्तानी करना कितना मुश्किल होता है और ओवरऑल ये जो पीसीबी ने ये जो ट्रायंगुलर सीरीज कराया इससे क्या क्या जो है वो चीज़ें आपको कवर करने में मदद मिली है? बिस्मा बाजी मेरे अगेंस्ट कैप्टन है तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती हूँ. ऑब्वियसली जब सामने आपका सीनियर कप्तान हो और जब मैं टॉस करने जाती हूँ उनके साथ मेरा कंपटीशन वहीं से ही शुरू हो जाता है. हम अंदर लड़ते भी हैं, हम लोग अंदर फाइट करते हैं एक दूसरे की टीम के लिए, लेकिन बाहर आकर फिर वही जो मैंने अभी पहले बात की कि मैं अगर कोई गलती करती हूँ तो वो मुझे गाइड करती हैं, जो अच्छा डिसीजन होता है उस पर सपोर्ट करती हैं मुझे. सर अमीन, ये बताएं कि इवेंट हुआ, कितना कुछ टैलेंट हमें हमारी लड़कियों में नज़र आया, खासतौर पर मुनीबा को हमने देखा कि उसने सब मैचेस में रन्स किए, आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, तो क्या समझती हैं आप, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी शामिल थी, बॉलिंग वहाँ आपने अच्छी की, तो किस तरह का कुछ ऐसा टैलेंट भी आपको नज़र आया है कि जो मुस्तकबिल में, क्योंकि दो तीन लड़कियों ने तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देना है, तो क्या समझती हूँ आगे है मुस्तकबिल इन लड़कियों में? जी हाँ बिल्कुल, जैसा हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में काफ़ी जूनियर लड़कियों ने परफॉर्म किया है. मुनीबा अली की बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है और एक रिकॉर्ड बनाया है. उसके बाद मेरी टीम से आयशा नसीम ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है. तो काफ़ी यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उनके जो सीनियर्स हैं उनको बैक कर रहे हैं. तो उम्मीद है कि ये टैलेंट सामने आता रहेगा और हमारी टीम को आगे अच्छा टैलेंट मिलेगा. होम ग्राउंड्स पे पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट आपने खेली नहीं है और पहली मर्तबा खेलने जा रही है, वो भी बिग फाइनल में, तो ये एक्सपीरियंस कैसा होगा? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए और इसका सारा क्रेडिट पीसीबी को जाता है. पीसीबी का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत ही फायदेमंद स्टेप है कि हमारा फाइनल जो है वो अंडर लाइट्स हो रहा है और लाइव स्ट्रीम हो रहा है. तो ये हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और लोगों को हमारी स्किल्स का भी पता चलेगा. तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है और इंशाल्लाह फाइनल आपको अच्छा देखने को मिलेगा. जी मुजम्मिल भाई, परफॉर्मेंस पर अगर नज़र डालें तो वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है अगर यंगस्टर से कंपेयर करें, और ग्राउंड में देखा गया है कि आपसे ज़्यादा एक्टिव जवेरिया होती हैं और लग ये रहा होता है कि कप्तानी वो कर रही हैं, तो कप्तानी भी ग्राउंड में उनकी नज़र आ रही है, परफॉर्मेंस भी अपनी है, तो इस तरह कैसे कंटिन्यू करेंगे, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है? देखिए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं अपने सीनियर्स की हेल्प लेती हूँ क्योंकि जवेरिया खान मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो ऑब्वियसली मुझे अंदर ग्राउंड में उनकी हेल्प लेनी पड़ती है और वो मुझे पूरी तरह हेल्प करती हैं. अगर आप ये कह रहे हैं कि कप्तान वो नज़र आती हैं तो उनके पास पूरा राइट है कि वो अंदर मुझे हेल्प करें और अगर कहीं फील्ड में उनको लग रहा है कि कहीं ज़्यादा गैप है तो वो उसको एडजस्ट करें, ये राइट मैंने और कोच दोनों ने उनको दिया. तो मैं अभी ग्रो कर रही हूँ एज अ कैप्टन और मैं इसी तरह ग्रो करूँगी जब मेरे सीनियर्स मुझे हेल्प करेंगे और मेरा कोच मुझे हेल्प करेंगे.
اور رہی پرفارمنس کی بات تو ابھی تک اللہ کا شکر میں اکنامیکل بالنگ کر رہی ہوں. آپ اگر اس ٹورنامنٹ کی بات کریں تو آپ میرا ہر میچ اٹھا کے دیکھ لیں, میرا کسی بھی میچ میں میں نے بہت ایکسپینسو میرے اوورس نہیں گئے, میں نے کافی اچھی اور کنسسٹنٹ بالنگ کی ہے, اکنامیکل بالنگ کی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمہ معروف, کیپٹن فور چیلنجرز. بسمہ, بحیثیت کیپٹن اور بحیثیت پلیئر, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, آپ کا جو ایکسپوجر ہے, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں, وہ اپوننٹ ٹیم اور کسی بھی پلیئر کے مقابلے میں ظاہر ہے آپ کو ایج حاصل ہے, تو آپ کتنی مطمئن ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے جو اس کو ایج حاصل ہے آپ کی وجہ سے, وہ کتنا سودمند ہوگا فائنل میں, اور آپ کے پلس اور نگیٹو پوائنٹس کیا کیا ہیں, کس طرح سے جیت کے لیے کھیلیں گے؟ دیکھیے, جس طرح ہم لوگ کی ٹیم کھیلی ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, بہت اچھا کھیلی ہے اور کافی بیلنس سائڈ نظر آئی ہے بیٹنگ اور بالنگ وائز. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ٹیم خالی میرے بھی ڈپینڈ نہیں کر رہی, جیسے منیب والے نے اس وقت ہائیسٹ رن گیٹر ہیں اس وقت, اور بالنگ وائز ٹیم بہت اوور آل ساری بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو آئی تھنک ہم لوگ کا بہت اچھا کمبینیشن ہے اور کافی ویل سیٹلڈ ہے, اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے کل کا میچ اچھا کھیلیں اور ٹرافی جیتیں. دیکھیں, آف کورس ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ کافی دیر سے انٹرنیشنلی کپتانی کر رہی ہوں, اور جو سائڈ ہے کوشش یہی کرتی ہوں کہ اس کو اچھا لڑاؤں ٹیم میں تاکہ پازیٹیو رزلٹس آئیں. اچھا بسمہ, مشکل امتحان ہے آپ کا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے, تو اس ایونٹ سے کتنا کچھ آپ کو مدد ملی, کیونکہ جو انگلینڈ میں ہم نے غلطیاں کی انگلینڈ کی سیریز میں, تو آپ کو بیٹر میں, خاص طور پر بولرز میں, اسپنر میں کیا کچھ خامیوں کا پتہ چلا کہ ان لڑکیوں میں کیا کچھ وہاں پر اس طرح کی, جب ہم ایک طرح سے میچ جیتنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے لیکن وہاں پر ہم اس کو صحیح طریقے سے فنش نہیں کر پاتے, تو کیا اس پہ بات ہوئی ہے, اس پہ کچھ ورک ہوا ہے, یا سمجھتی ہیں کہ ٹیم کے جو بیٹر ہیں وہ بہتر جو ہیں وہ کر رہی ہیں, کیونکہ آگے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے؟
देखिए एज पाकिस्तान टीम डेफिनेटली कुछ एरियाज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, खासकर क्रूशियल मोमेंट्स हम लोग वो नहीं जीत रहे, हम लोग वहाँ पर अपने आप को छोड़ देते थे और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे अभी दोबारा कैंप में हम लोग रीग्रुप होंगे और इस चीज़ में हम लोग सारे मिलकर काम करेंगे, जो क्रूशियल मोमेंट्स है उसको विन करना इम्पॉर्टेंट है ताकि रिजल्ट अपने फेवर में लेकर आए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके और मुनीबा के अलावा इस टूर्नामेंट में आपकी टीम में से किसी ने टोटल 50 रन भी नहीं स्कोर किए हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खतरे की है। और दूसरा ये जानना चाहूँगा कि जब इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान वनडे टूर्नामेंट का फाइनल हुआ था तो ब्लास्टर्स ने 6 रन से शिकस्त दे दी थी, तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि चलें वनडे टूर्नामेंट नहीं जीत सके, अब T20 में जीत के हिसाब बराबर करना है। देखिए जहाँ तक रन की बात है, मेरे ख्याल से बाकी जो बैटर्स हैं उनकी इतनी बारी नहीं आई, मुनीबा और मैंने ही ज़्यादा इस टूर्नामेंट में बारियाँ नहीं है और कल का मैच है और मेरे ख्याल से जो बाकी लड़कियाँ हैं वो भी डेफिनेटली लुकअप करनी है कि अगर उनकी बारी आती है उस पर रन करें और मैच जितवाएं हम लोग को। और जहाँ तक लास्ट उसके बाद है, काफ़ी क्लोज मैच था लास्ट फाइनल भी जो हम खेले और टीम्स डिफरेंट है, प्लेयर्स डिफरेंट है इस बार हमारे पास और मेरे ख्याल से हमारी काफ़ी अच्छी बैलेंस टीम है, कोशिश यही करेंगे कि अच्छा खेलें और मैच जीतें। महमूद भाई बिस्मा, एक तो ये बताएं कि इसमें पावर हिटिंग में कितना काम हुआ है, जो कि पावर हिटिंग में जाहिर बात आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी आ रही है। दूसरा, इस किस्म के जो ट्रायंगुलर आपस में जो मैच खेलते हैं इसमें कोई ऐसा टैलेंट भी होता है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, जिसको आपके रिकग्नाइज ना कर रहे हो सिलेक्शन के लिए और फिर उस पर गौर शुरू हो जाता है? देखिए इस दफ़ा अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट देखें तो पावर हिटिंग नज़र आएगी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जो कि हम लैक कर रहे थे और विच इज़ गुड टू सी कि डोमेस्टिक टीम में काफ़ी यंगस्टर्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस तरह आप बात करें, आयशा नसीम आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर हैं जो कि अंडर 18 से आई हैं और काफ़ी अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस किया नज़र आ रहा है, उनमें पावर हिटिंग है विच इज़ गुड टू सी। मुजम्मिल भाई, देखिए कुछ एरियाज़ हम लोग के थे जिनको हम देख रहे थे खासकर ओपनर्स में और फास्ट बॉलर्स में कि हम लोग को कौन से प्लेयर्स मिलते हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली सेलेक्टर्स बैठे हैं और लड़कियों की परफॉर्मेंस भी हैं वो जरूर इसको देख रहे होंगे। बिस्मा, ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट अब ओवर हो चुका है, कल फाइनल है, वर्ल्ड कप के लिए टीम आपने अनाउंस करनी है, टीम के लिए मुशावरत बैठेगी, सना मीर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी हमेशा दे के उनको टीम में रखा जाता है, इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 विकेट्स 21 रन, क्या समझती हैं इस परफॉर्मेंस के साथ? एक्सपेक्टेड तो है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होगी क्योंकि उन्हें हमेशा एक्सपीरियंस की वजह से ले लिया जाता है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ अब वो जस्टिफाई करती हैं और आप नहीं समझती कि अगर उनको फिर से मौका दिया जाएगा तो जो प्लेयर्स हैं ना बैकअप बन रहा है और दूसरे यंग प्लेयर्स हैं उनका हक भी मारा जाए? देखिए सना हैज़ बीन अ प्रूवन परफॉर्मर और उसमें कोई शक की बात नहीं है और जहाँ तक देखें हम मेगा इवेंट के लिए जा रहे हैं, कोशिश यही होती है कि अपनी स्ट्रेंथ टीम लेकर जाएं और वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है और जिस तरह की कंडीशंस है वहाँ पर कोशिश यही करेंगे अपनी बैलेंस और स्ट्रेंथ टीम लेकर जाएं ताकि हम वहाँ पर मैचेस जीतें और अपना जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वहाँ पर लेकर जाएं। एहसान भाई, बिस्मा ये बताइएगा कि आपकी पूरा टूर्नामेंट गुजरा है, आयशा की बार बार आपने बात सुनी कि वो बड़ा एक अच्छा टैलेंट सामने है, इसके अलावा बहसीत कप्तान आपने तीनों टीमों में कोई अच्छी लड़कियां देखी हैं जो आप समझती हैं कि मुस्तकबिल में कौमी टीम के साथ साथ चल सकती हैं? दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा ये कि जो अगर हम टीम में देखें तो आप और जवेरिया मुसलसल परफॉर्म कर रही हैं बैटिंग में, जिनकी एवरेज 22 से लेकर 30 तक भी है, लेकिन दीगर अगर हम बैट्समैन की बात करें जो बैटिंग करती हैं लड़कियाँ, उनकी एवरेज 12 से लेकर 15 के दरमियान 16 के दरमियान है, तो इस हवाले से बात होती है कि उनकी एवरेज को भी बेहतर बनाया जाए, उनकी जो मुसलसल परफॉर्मेंस है उसको भी बेहतर किया जाए, दोनों सवाल तक। देखिए अगर इस टूर्नामेंट में मुनीबा अली काफ़ी उन्होंने स्कोर किए और काफ़ी डिफरेंट नज़र आई है सब में से और मेरे ख्याल से वो उन्होंने खुद ही अपने आप को हाईलाइट किया और जवेरिया रऊफ़ है जिन्होंने अमंग रन्स है और मेरे ख्याल से ये एक दो हमारे हाईलाइटर्स हैं इस दफ़ा टूर्नामेंट में। और जहाँ तक इंटरनेट पाकिस्तान टीम की बात है बैटिंग की, देखिए जो मैसेज है विद इन द ग्रुप वो यही है कि हम लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं कि हम विनिंग कंट्रीब्यूट करें और ऐसा एवरेजेज और वो चीज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंडिविजुअल सबके गोल्स होंगे कि उसको इम्प्रूव करें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम विनिंग कंट्रीब्यूशन कितना करें वो मिकल इंडिविजुअल गोल हमारी टीम जी। एक्सपीरियंस आपने देखा है कि जिस तरह बैटर और बॉलर्स
کے درمیان کوئی تبادلے ہوتے ہوں یا یہاں پر ایسا نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ شعیب بھائی کی ویکلی آف ہے تو اس سے انہی کا ہی سوال کر لیتا ہوں کہ جو پرفارم نہیں کر پا رہی ہیں جو لڑکیاں, آپ سمجھتی ہیں کہ مزید ان کو چانس دینا چاہیے یا نئے کرکٹرز کو بھی موقع دینا چاہیے؟ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب اوور آل جو پرفارمنس نہیں دے پا رہی, جن کے حوالے سے بار بار سوال ہوتا ہے کہ سینئرز ہیں مگر اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی, پیچھے اور بھی لڑکیاں ہیں. دیکھیں ایک ٹیم کمبینیشن ہوتا ہے کہ ہم کیا ریکوائرڈ ہے ٹیم میں اور ڈائنامکس کیا ٹیم کے, اس کے حساب سے ٹیم بنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا اور وہ جونیئرس پرفارم کر رہے ہیں, سب جونیئرس کو رہے ہیں, لیکن جو ہمیں ٹیم کی کمبینیشن میں سیٹ بیٹھتا ہے وہی ہم لوگ اپنی بیسٹ لے کے جاتے ہیں. اور آپ سوری آپ کو جو دوسرا سوال تھا میں بالکل بھول گئی ہوں. جی جی بالکل ہوتا ہے, ہیٹ آف دا مومنٹ کافی چیزیں ہو جاتی ہیں اور انڈیا پاکستان میچ میں کافی دفعہ ہوا ہے, لاسٹ انگلینڈ سیریز میں بیٹر ورسز بالر ہیٹ اپ ہو گئے تب, تو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اس میں. صحیح. ایک میں سوال پوچھنا چاہوں گا, بہت کوالٹی کرکٹ اس ٹورنامنٹ میں دیکھی, پاور ہٹنگ سب امپروو ہے, لیکن رننگ بٹوین دی وکٹ کے بہت زیادہ مسئلے سامنے آئے, ریشو رن آؤٹ کا بہت زیادہ ہوا ہے, تو ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, کالنگ اپنی جگہ, لیکن پھر بھی اتنا زیادہ ہونا, تو آپ کو لگتا ہے کہ رننگ بٹوین دی وکٹ پہ تھوڑا زیادہ محنت اور کام کی ضرورت ہے تمام کھلاڑیوں کو؟ دیکھیں ہم لوگ اس پہ کانشیسلی کام کرتے ہیں, جب بھی کیمپ میں آتے ہیں ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں, لیکن اس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہے ہر بیٹر کی کہ وہ اس کو امپروو کر رہے ہیں, لیکن کانشیسلی اس ٹیم ڈیفینیٹلی ہم اس پہ کام کرتے ہیں جب بھی ہم کیمپ میں آتے ہیں. صحیح. اینی بڈی ایلس؟ نو. تھینک یو.